जी तो मेरे दोस्तों, आज आपको अवेरो सिटी पुर्तगाल का विज़िट करवाता हूँ, फैक्ट्री एरिया का। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें फैक्ट्री जॉब चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ काम है। तो आप लोगों के लिए आज फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री जोन का मैं आपको टूर करवाने के लिए जा रहा हूँ। ये फैक्ट्री जो ब्लू कलर की आपने देखी है, ये बिल्कुल न्यू फैक्ट्री बन रही है यहाँ पर, और बहुत बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर। और ये तकरीबन 1 से 2 मंथ के अंदर ये फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑलरेडी इस फैक्ट्री जोन में बहुत सारे इंडियंस मैंने देखे हैं, जो कि यहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राज़ीलियन और बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जो है यहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं। फैक्ट्री जोन काफ़ी बड़ा फैक्ट्री जोन है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको इस जगह का नाम भी बता देता हूँ, अवेरो की ये जो जगह है, इसका नाम है गफाइया दे नज़ारे। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ। और आप यहाँ पर आप अपने इंटरनेट पे जाकर, गूगल के ऊपर जाकर रिसर्च भी कर सकते हैं कि अवेरो फैक्ट्री जोन, तो या फिर इंडस्ट्रियल जोन, तो ये सारी फैक्ट्रीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये अवेरो सिटी के अंदर हैं। इस एरिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर आकर ट्राई ही नहीं करते। जब यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ पर आकर आप ट्राई करें, तो फिर ही आपको जॉब मिलेगी। जब आप यहाँ पर नहीं आएंगे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। लोग दूर से बैठ कर, लिस्बन में बैठ कर, पोर्टो में बैठ कर, दूर दूर सिटीज़ में बैठ कर लोग कॉल्स करते हैं कि हमें जॉब्स लगवाएं। डायरेक्ट हम यहाँ पर आकर जॉब के ऊपर खड़े हो जाएं। तो रेफरेंस बेस के ऊपर जॉब मिलना इतना इजी नहीं होता। आप यहाँ पर आएँ, अवेरो सिटी के अंदर आएँ। अभी ये देखें जी, आपको फैक्ट्री के अंदर भी विज़िट करवाते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री में आकर बेल दिया और कैमरा लगाया, वो देखकर यहाँ पर दरवाज़ा खोला, और फैक्ट्री के अंदर जाकर भी आपको विज़िट करवाते हैं कि फैक्ट्री अंदर से कैसी होती हैं। तो बहुत अच्छा माहौल होता है फैक्ट्रीज़ में, एंड ड्यूटीज़ भी अच्छी होती हैं। वो भी आपको बताते हैं कि कितने घंटे और ओवर टाइम वगैरह सारा कुछ आपको बताते हैं। तो जो लोग दूर बैठे हुए हैं, लिस्बन वगैरह में बैठे हुए हैं, वो वहाँ से होटल बुक करें यहाँ पर अवेरो सिटी में। यहाँ पर आकर 1-2 दिन रहें, पूरा फैक्ट्री जोन आप यहाँ पर घूमें। अवेरो सिटी के आसपास जो है, 10-15 मिनट की फासले पर भी बहुत सारे फैक्ट्री जोन इस तरह के हैं, और इससे भी ज़्यादा बड़े फैक्ट्री जोन आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो 2-4 दिन यहाँ पर आकर होटल बुकिंग कर लें, अगर आपको अकोमोडेशन का मसला है तो। यहाँ पर आकर आप ट्राई करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है अवेरो सिटी के अंदर, तो आप मुझे मैसेज करें इस वीडियो के नीचे कि मुझे जॉब मिल गई है, और आपसे अवेरो सिटी में अकोमोडेशन अरेंज नहीं हो रही आप, तो आप मुझे मैसेज करें नीचे, तो मैं आपकी ये हेल्प कर दूंगा कि आपको अकोमोडेशन ढूंढने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा अवेरो सिटी के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर ट्राई करना होगा। जो लोग कहते हैं कि हमें डायरेक्ट फैक्ट्री में जॉब लगवा दें, रेफरेंस बेस के ऊपर इस तरह जॉब मिलना इतना इजी नहीं है। ये है फैक्ट्री, फैक्ट्री का अंदर ये सारा स्टोर है, जहाँ पर इन्होंने सामान स्टोर करते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं होता काम, फैक्ट्री में इतना गंदा काम नहीं होता। सारी फैक्ट्रीज़ में ऐसे नहीं होता, कुछ फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर भारी काम भी होते हैं और गंदे काम भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे इजी काम होते हैं, बहुत सारे साफ़ सुथरा माहौल है। आप चेक कर सकते हैं। एक तो फैक्ट्री की जो ड्यूटी है, वो 8 घंटे की ड्यूटी है, और 1 वीक में आपको 2 दिन छुट्टी होती है।